दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र एवं वैज्ञानिकों आधार होची समग्र पृथ्वी अंतरिक्ष अंतरिक्षरे थिबा ग्रह माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार मनुष्यर जवज जीवन रो दैनिक प्रणाली सह ओतप्रोत भाव रे जड़ित थिबा बले प्रकृतिर सृष्टि एवं एहारो वैज्ञानिक तथ्य एवं पृथ्वी पृष्ठपति एमानंकर अवदान संपर्क रे महाकाश रे वैज्ञानिक मानकर खोज ए दुईटी भिन्न अनुशीलन को दर्शाई थाए। ए दिगरे भारतर इसरो हेउ अबा अमेरिकार नासा हो उभय महाकाश गवेषणा प्राय निजकु एमिति निवृत्त करिचंती जे प्रति वर्ष प्रति थर नुआ नुआ तथ्य नै माने सारा विश्व को अवगत करै परचंती। गोटे दृष्टिकोण रु देखबा को कोले चंद्रपृष्ठ हेउ बा विभिन्न ग्रह मंडल हो एमानकर स्थिति उपस्थिति गति एवं एठाकार परिवेश संपर्क रे लगातार वैज्ञानिक माने महाकाश रे गवेषणा जारी रखिचंती। अपरपट रे ज्योतिष शास्त्र रे एही ग्रह मान मनुष्यर भाग्य सहित जोड़ी विभिन्न प्रकार चलन एवं यार प्रतिक्रिया एवं यार निष्पत्ति संपर्क रे अवगत करैथंती। अर्थात परंपरा संस्कृति एवं शास्त्र अनुजाई एमाने एक प्रकार भिन्न वातावरण दी आसीथिबा बळे वैज्ञानिक खोज किंतु कहे अलगा कथा। निकटरे नासा वैज्ञानिक माने एमिति एक सफलता को छुईछंती बोली दाबी करछंती जहां अन्य मानंकु चकित करिछि। एथर घटना घटिछि शुक्र ग्रह को नै। तबे सबटु बड़ कथा नासा दीर्घ दिनरु सूर्य उपरे अध्ययन एवं अनुशीलन करबा पई एक पार्कर सोलार प्रूफ नामक गवेषणा यंत्र तैयारी करी जहाँकि महाकाश रे घूरी बुलुची एवं सूर्यर अध्ययन करुची। सूर्यर अध्ययन करने को हेले एहाकु अनेक दूर परिक्रमा करने को पड़ी। पार्कर सोलार प्रोब एमिती एक यंत्रांश जेहे महाकाश रे क्रमगत भाव में सूर्य को अनुशीलन करबा एवं एहार तथ्य को वैज्ञानिक मानक पठेबा पई कार्य करि आसुची। किंतु एथरो एही सोलार प्रोब शुक्र ग्रह को अतिक्रमण कला बळे एक एमिति शब्द रेकर्ड करिकि जहां वैज्ञानिक मानक द्विधा एवं आसंता विश्लेषण पई एक भरपूर तथ्य जुगैछि बोली प्रकाश पाइछि। अर्थात सूर्य उपरे अनुशीलन करबा को कला बळे एहा शुक्र ग्रह को अतिक्रमण करिथिला एवं अतिक्रमण परे एहा सूर्यर उपरी भाग रे एक भयंकर शब्द को रेकर्ड करिथिला बा रेडियो सिग्नल को रेकर्ड करिथिला जहार तथ्य पठाइथिला नासा को। एवं नासार वैज्ञानिक माने एबे चमकप्रद भाव रे खुशी होइतबार कारण होची एथरो समाने सूर्य सह शुक्र उपरे मध्य अध्ययन करिवे। एठाकर वायुमंडल एठाकर परिस्थिति एवं परिवेश जहाकि वैज्ञानिकों मतरे पृथ्वीर जमज भूणी बोली मध्य अभिहित करिथांती। तेणु शुक्र ग्रह उपरे सोलार प्रोब जो रेकर्ड करिछि एहा मध्य एक आश्चर्यजनक भावरे होइछि। एथि पूर्वरु दुई थर शुक्र ग्रह को अतिक्रमण करिथिला पार्कर सोलार प्रोब किंतु एही अतिक्रमण समय रे कोनोसी सिग्नल को रेकर्ड करिनथिला। किंतु तृतीय थर 11 जुलाई 2020 रे एहा जेतेबेले शुक्र ग्रह को अतिक्रमण करुथिला हठात शुक्र ग्रह रु भासी आसीथिला किछि भयंकर शब्द ओ रेडियो सिग्नल जहाँ को रेकर्ड करिछि सोलार प्रोब। तेबे एही सोलार प्रोब एबे जो रेकर्ड करिछि एहा शुक्र ग्रह रो अति पाखरे अतिक्रमण करुथिला। जो समय रे रेडियो सिग्नल को सोलार प्रोब रेकर्ड करुथिला सेतेबेले शुक्र ग्रह औ ई सोलार प्रोब रो दूरता थिला मात्र 832 किलोमीटर। अर्थात 832 किलोमीटर दूर रे सोलार प्रोब शुक्र ग्रह को अतिक्रमण कला बळे रेकर्ड करिथिला किछि भयंकर शब्द एवं रेडियो सिग्नल। सूचना थौ कि सोलार प्रोब दीर्घ दिन हला सूर्य उपरे गवेषणा करुछि एवं एहा क्रमशः अति धीरे धीरे सूर्यक पाखकु पाखकु जाउ। प्रबल तापमात्रा रे एहा नष्ट न होइजा पर्यंत एही प्रक्रिया जारी रहिबो बोली नासा वैज्ञानिक माने कहिथुवा बळे 2025 सुद्धा एहा सूर्यर आहुरी पाखकु गति करिवो। अर्थात सेतबळे एहार दूरता रहिबो 4.3 मिलियन। अर्थात सूर्य ठारु 4.3 मिलियन दूर रे पहुंचिबो सोलार प्रोब एवं जदि एहार क्षय किथि किछि न घटे ताहले आगुकु आहुरी जाई सूर्य उपरे अनुशीलन करिबा पई चेष्टा करिबो। किंतु एथरो जेतेबेले सूर्य ग्रह को अनुशीलन कला बळी शुक्र ग्रह रो एही शब्द को रेकर्ड करचते एथरो वैज्ञानिक माने मध्य नुआ एक विश्लेषण को जन्म देबे बोली जणा पड़ी।
ଏଥିରେ ଜଣାଯାଇଛି କି ଶୁକ୍ର ଏକ ଗରମ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏହାର ଘଟଣା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଏହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରେ ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ, କାରଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅନୁସରଣ ସହ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।